हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांस आईटीसी। ये डीसीए सीरीज का 21st वीडियो है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का फर्स्ट एंड डीसीए सीरीज का लास्ट वीडियो है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं चैनल में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आउटलुक के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटलुक के लिए हम लोगों को चाहिए होता है एक ईमेल अकाउंट, और ईमेल अकाउंट के साथ हम लोग जो है आउटलुक को जो है कन्फिगर करके उससे हम लोग जो है मेल, मीटिंग, टास्क, ये सब जो है वहां पे शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल करने के साथ साथ वहां से हम लोग जो है डायरेक्ट मेल भी भेज सकते हैं, वहां पे मेल रिसीव भी कर सकते हैं। वहां पे जो है आपका मेल स्टोर होगा, वो सिस्टम में स्टोर होते चला जाएगा, आप उस मेल को बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आउटलुक यूज कर रहे हैं तो आपको जो है एक बार अगर आपके पास मेल आ गया है, आपने उसे ओपन कर लिया है, तो फिर आपको जो है उसको बार बार देखने के लिए जो है इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत भी नहीं पड़ता, आप ऑफलाइन भी उसे चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि आउटलुक में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, अपना जो अकाउंट है जीमेल का उसे हमें क्या करना होगा, पहले कॉन्फ़िगर करना होगा, तब हम लोग आउटलुक पे उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना जीमेल खोल लेते हैं। ये मैंने अपना जो है जीमेल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेटिंग में जाएंगे, अब यहाँ पे सी ऑल सेटिंग करेंगे। अब उसके बाद जो है फॉरवर्डिंग एंड पीओपी आई मैप, इस ऑप्शन को हम लोग जो है ओपन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे है एनेबल पीओपी फॉर ऑल मेल, इसको हम लोग जो है एनेबल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे में जो है आई मैप, इसको एनेबल करेंगे। ये दो चीज हम लोग एनेबल करने के बाद क्या करेंगे, नीचे सेव चेंजेस पे आके क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटलुक ओपन करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम आउटलुक ओपन करेंगे तो आपको जो है आउटलुक ऐसा दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ईमेल को अभी कॉन्फ़िगर करना है, तो आप अभी भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नो ले लेंगे, अभी बिना मेल का हम जो है आउटलुक ओपन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है यूज आउटलुक विदाउट एन ईमेल अकाउंट, इसको हम टिक करेंगे, फिनिश करेंगे। ये आपका आउटलुक ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल में आएंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखिए कि आई मैप का सर्विस जो है यहाँ पे एक्टिव है ये वाला अकाउंट के लिए, लेकिन अगर मानते हैं कि हमें ऐड अकाउंट करना है, तो जिस ईमेल आईडी के लिए हमें यहाँ पे अकाउंट को ऐड करना है, उसमें पहले तो ऑप्शन बहुत सारा था, लेकिन अब जो है गूगल जो है अपना जो है सिक्योरिटी सर्विस को अपडेट कर चुका है, और सिक्योरिटी सर्विस अपडेट करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इसको कनेक्ट करने में, लेकिन इशू नहीं है। अगर सेटिंग बिल्कुल सही रखते हैं और तरीके से अगर करते हैं तो सब कुछ बहुत ईजी प्रोसेस में हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम लोग जीमेल में क्या चेंजेस करते हैं वो हम दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम लोग यहाँ पे उसको ऐड करते हैं। एक अकाउंट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मैं दूसरा अकाउंट इसमें आपको ऐड करके दिखाऊंगा। आईमैप और पीओपी दोनों को एनेबल करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग आएंगे एडवांस में, यानी कि अपने आइकन पे क्लिक करेंगे, मैनेज योर गूगल अकाउंट को हम लोग क्लिक करेंगे। ये भी सिक्योरिटी का ही ऑप्शन है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मोड में हम इसको ओपन कर दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद हम लोग सिक्योरिटी में आएंगे। सिक्योरिटी में आने के बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे जो है क्या करेंगे, रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल एड्रेस, इसको हम लोग जो है एक्टिव कर देंगे। और इसको एक्टिव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है अपना फोन और ईमेल जो है डाल दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऑन करना है, ऑन करेंगे। यहाँ पे यह स्टेप्स बता रहा है कि आपको जो है स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना है। गेट स्टार्टेड करेंगे, अब यहाँ पे ये बोल रहा है इट वर्क टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको टर्न ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्न ऑन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही ये टर्न ऑन होगा, आपको नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप पासवर्ड करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप पासवर्ड में आएंगे और यहाँ पे ऐप सेलेक्ट करेंगे मेल, क्योंकि हमें आउटलुक के लिए जो है मेल ही हमें चाहिए होता है, मेल सर्विस हम लेना चाहते हैं गूगल का, तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट किए। और यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस में हम जाएंगे, अगर हमें आउटलुक यूज करना है तो हम विंडो कंप्यूटर और विंडो फोन दोनों यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं विंडो कंप्यूटर के लिए इसे सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे, यानी कि पहले हम जो है अपने मेल के पासवर्ड से लिंक कर सकते थे, बट अब जो है मेल का पासवर्ड लिंक नहीं होगा। अभी वन टाइम पासवर्ड हम जो है मेल के लिए या फिर किसी भी दूसरे ऐप के लिए करते हैं, क्योंकि गूगल ने अपना सिक्योरिटी सर्विस अपडेट कर दिया है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद जब हम ऐप
पासवर्ड को क्रिएट करेंगे तो हमें ये सेक्शन को इस तरह से सेलेक्ट करके और जनरेट करना होगा। ये जनरेट हो गया, ये आपका करंट पासवर्ड है। इस पासवर्ड को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, इस स्क्रीन को कट नहीं करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे मेन स्क्रीन पे यानी आउटलुक पे। यहां पे हम जो है एड अकाउंट में आएंगे, यहां पे हम अपना नाम डाल देते हैं, यहां पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और यहां पे वो जो पासवर्ड हमने कॉपी किया था वो इंटर कर देते हैं और यहां पे भी सेम पासवर्ड री इंटर कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। यहां पे ये बोल रहा है कि यहां पे आपने जो है सारे चीज को कंप्लीट कर लिया है, यहां पे सर्विस भी आपका कनेक्ट हो गया है और टेस्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिंपली फिनिश में आके क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे यहां पे देखिए कि यहां पे एक ईमेल आईडी पहले से जो ओपन था वो है, सेकेंड ईमेल आईडी यहां पे नीचे ऐड हो गया। तो इस तरह से आपको ईमेल आईडी को ऐड करना है और अभी करंट टाइम पे अगर आप कर रहे हैं तो करंट टाइम में आपको जो है यहां का अलग सिस्टम है जीमेल का, तो जीमेल में आपको जो है चेंजेस किस तरह से करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह से आप जीमेल में जब चेंजेस कर लेंगे तो आप आराम से यहां से इसको ऐड कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो है सारा का सारा ऑप्शंस ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यू मेल, नया मेल लेने के लिए जब हमें किसी को मेल भेजना है तो हम यहाँ से न्यू मेल लेंगे और सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू में वो ईमेल आईडी डाल देंगे जिसे हमें भेजना है, सीसी में उस ईमेल आईडी को डालेंगे जो हम इसके साथ में अटैच करके भेजना चाहते हैं। यानी एक के साथ में हम अगर 10 लोग को भी भेजना चाहते हैं तो मेन जो रहेगा यानी कि मेन हमें जिसे भेजना है वो रहेगा टू में और बाकी सात उसके साथ में हमें जितने को भेजना है वो रहेगा सीसी में, सभी को चला जाएगा लेकिन सभी को दिखेगा कि हम किसको भेजे हैं और किसको सीसी में रखे हैं। अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वो हो गया कि आपको किस टॉपिक पे ये मेल बना रहे हैं और उसके बाद फिर नीचे आप जो है जो भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करने के बाद, ये सारा चीज करने के बाद यहाँ पे आप जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर ये सब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन है ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आइडेंट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर जो आप जो है वर्डपैड में जैसे काम करते थे वैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एड्रेस बुक, आप यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं एड्रेस बुक आप यहाँ पे डाल सकते हैं यानी कि कॉन्टेक्ट डाल सकते हैं। फाइल यहाँ पे अगर अटैच करना है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप जो है exe फाइल को नहीं डाल सकते हैं, बहुत सारा फाइल है आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे pdf फाइल आप डाल सकते हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल ये सब अपलोड कर सकते हैं। मोस्टली जितना भी फाइल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सिर्फ हम मुझे लगता है कि दो चार फाइल है जिसे आप नहीं डाल सकते, उसमें से exe फाइल होता है सेटअप फाइल जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर वाला, वो आप इसे नहीं यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे और उसके अलावा आप लगभग सारा फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप जब सारा चीज कर लेंगे, आप पूरा कंपोज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे अगर इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को अगर इंटरनेट नहीं है उसके बाद करते हैं तो ये क्या होगा कि ये जो है आपका सेव हो जाएगा ड्राफ्ट में। ऐसे तो जीमेल का काम हम लोग जो है इंटरनेट में भी करते हैं लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि अगर यहाँ पे अगर इंटरनेट को मैं ऑफ कर भी दूं, ये डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, अब उसके बाद भी अगर मुझे यहाँ पे 2203 मेल दिख रहा है तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो क्या मैं इसे खोल पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। ठीक है, ये देखिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, सारे मेल को मैं ओपन कर पा रहा हूँ। क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो आउटलुक है ये ऑफलाइन भी काम करता है और ऑनलाइन भी काम करता है। ये जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो क्या होगा कि ये सिंक्रोनाइज होगा और सिंक्रोनाइज होकर जितना भी मेल है उसको अपडेट कर लेगा और उसके बाद ये जब अपडेट हो जाएगा तो फिर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन रहे चाहे नहीं रहे वो मेल आपका यहाँ पे सेव रहेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ से आप अगर जो भी चीज डाउनलोड करते हैं तो वो जो है यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको जो है सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है सेव पे क्लिक करते हैं तो ये जो है सेव बोल रहा है डॉक्यूमेंट में, हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि अभी इंटरनेट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सेव कर लिया है। अब इसे क्या करते हैं डॉक्यूमेंट में चेक करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में अभी मैंने ये फाइल सेव किया, देखिए करंट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से जो है फाइल भी हमारा सेव हो जाता है ऑफलाइन रहने के बावजूद भी। तो इस तरह से हम लोग जो है जब ऑफलाइन रहेंगे तब भी हम लोग जो है अपना काम कर सकते हैं और ऑनलाइन रहेंगे तो ये सिंक्रोनाइज होकर सारा का सारा मेल को अपडेट कर लेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन को समझना होता है कि हमें किससे क्या काम करना है। आप ऑफलाइन तो काम कर ही सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे आप जो है सेंड और रिसीव जो है फोल्डर बना लेंगे
तो अगर हम जो है सेव रिसीव फोल्डर बना लेते हैं तो उसी में सारा का सारा मेल जो है आके सेव होगा। फोल्डर्स अगर हम अलग यहाँ से क्रिएट करना चाहें तो वो सब, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं फिलहाल। बस इतना अभी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आउटलुक हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जो है अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें भी क्लियर कर दूंगा। कुछ कंफ्यूजन होगा तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।